हेलो, वेलकम बैक। आइए सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन्हें क्रिएट करने के लिए हम वीएस कोड को इंस्टॉल करेंगे, साथ ही उसके कंपाइलर को। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप किसी भी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें उसके लिए दो चीज़ें लगती हैं, एक कोड एडिटर और एक कंपाइलर उस लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए, उस कोड को कंपाइल करने के लिए। तो हम आज करेंगे वीएस कोड को इंस्टॉल, साथ ही उसके कंपाइलर को। तो इसके लिए आप अपने ब्राउज़र पर सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे डाउनलोड वीएस कोड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सबसे पहला लिंक आ रहा है code.visualstudio.com का, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पर आप इसे क्लिक कर देंगे। तो हम डाउनलोड कर रहे हैं विंडोज़ के लिए, तो हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप ये सेव फाइल से इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो जब तक एक कोड एडिटर यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, तब तक के हम कंपाइलर को डाउनलोड कर लेते हैं। कंपाइलर को डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे, यहाँ पर आप ऑप्शन दिख रहे हैं लेफ़्ट साइड के पैनल पे, C++ और C++ GCC ऑन विंडोज़, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये थर्ड पॉइंट जो है, इंस्टॉल मिन जी डब्ल्यू 64 वाया द सोर्स फोर्ज वेबसाइट, यानी ये जो मिन जी डब्ल्यू 64 है, यही हमारा कंपाइलर है जो कि हमारे प्रोग्राम्स को कंपाइल करेगा एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए। इस पर क्लिक करते हैं। देखिए ये भी डाउनलोड होने के लिए तैयार है। सेव फाइल पर क्लिक करेंगे और इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। तो दोनों ही फाइल्स जो हैं हमारी, मिंग जी डब्ल्यू जो कि हमारा कंपाइलर है और वीएस कोड जो हमारा कोड एडिटर है, दोनों ही फाइल डाउनलोड हो गई। चलिए सबसे पहले वीएस कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलर विंडो खुल गया है। यहाँ पर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर बटन को चेक कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये पाथ है क्योंकि सी ड्राइव पर इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट, और हाँ, यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो सबसे पहला क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन, इनमें से बाकी को आप क्लिक करें ना करें, लेकिन ऐड टू पाथ वाला जो है, इसको और क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन ऐड टू पाथ वाले को ज़रूर आप चेक कर दें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। और अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। हमारा वीएस कोड इंस्टॉल हो गया है। चलिए फिनिश पर क्लिक करते हैं और ये हमारा प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। वीएस कोड जो है वो ओपन हो रहा है। तो ये है हमारा वीएस कोड का एनवायरनमेंट, लेकिन अभी भी हमारा कंपाइलर इंस्टॉल नहीं है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, हमने कंपाइलर को डाउनलोड किया था, उसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट करेंगे, अगेन आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट करेंगे और हमारा कंपाइलर का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए फिनिश पर क्लिक करते हैं। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी हैं, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें जाना है हमारे पीसी में, जहाँ पर मिन जी डब्ल्यू हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो दिस पीसी हमारे सी ड्राइव में जाएंगे एंड प्रोग्राम फाइल्स x86, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मिन जी डब्ल्यू का जो फोल्डर है, इस पर जाएंगे। देन अगेन इसके अंदर जाएंगे, देन मिन जी डब्ल्यू 32 इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, देन बिन के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर जो आपको ये पाथ दिख रहा है ऊपर, इस पाथ को आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करेंगे, देन ये जो दिस पीसी लिखा है, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, देन यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाकर यहाँ लास्ट पे जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स लिखा हुआ है, इसमें जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो ये पाथ वेरिएबल दिख रहा है, इसको आप ऐसे सिलेक्ट करें और यहाँ पर इसे एडिट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप एक न्यू पाथ करेंगे। यहाँ पर आपको एक फील्ड ओपन हो जाएगी, इसमें आप अपने जो कॉपी किया है पाथ को, उसे आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देंगे। ओके, ये हमने कर दिया और अब हम एंटर प्रेस करेंगे एंड देन ओके, अगेन ओके, और ये अब हमने अपने कंपाइलर के लिए एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी नया सॉफ्टवेयर या कोई भी नया एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं या कोई भी चेंजेस परफॉर्म करते हैं, मेजर चेंजेस, तो ये बेटर होता है कि आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। तो मैंने रीस्टार्ट कर लिया। चलिए वापस से विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। पहले हमने इसके कंपाइलर का इंस्टॉल कर लिया था और हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, उसे भी हमने इंस्टॉल कर लिया था। अब आगे की कार्यवाही जारी करते हैं।
तो चलिए अब हमको हमारा कोड लिखना। हमारा कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो चुका है और कोड एडिटर भी हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम कोड एडिटर में अब छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। चलिए सबसे पहले जाएंगे फाइल में और हम जाएंगे ओपन फोल्डर में, और यहाँ ओपन फोल्डर में जाकर हम किसी भी जगह पर किसी भी पाथ में, जैसे कि मैं बना लेता हूँ, चलिए डेस्कटॉप पर बना लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा। इसे मैं नाम दे देता हूँ सी प्रोग्राम्स। ओके, तो अब मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ सी प्रोग्राम्स नाम का मेरा फोल्डर है, इसके राइट साइड में यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है न्यू फाइल। इस पर मैं दे दूँगा नाम, एक नई फाइल बनाऊँगा, मैं एक सी फाइल बनाऊँगा, इसका नाम मैं दूँगा फर्स्ट डॉट सी और एंटर। तो यहाँ पर कोड एडिटर ओपन हो गया है, यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम लिखूँगा। अभी आप देख रहे हैं मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ एज इट इज़ टाइप हो रहा है, मुझे कोई सजेशन नहीं मिल रहा है। तो जनरली जो बहुत अच्छे एडिटर्स होते हैं, जैसे कि VS Code भी एक बहुत ही शानदार कोड एडिटर है, तो वो आपको सजेशन देता है। लेकिन वो सजेशन कब देगा, जब आप उसके लिए स्पेसिफिक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हम सर्च करेंगे C++। ये देख रहे हैं आप, सबसे पहला ऑप्शन जो आया है यहाँ पर C++ IntelliSense का, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं। तो चलिए ये इंस्टॉल हो गया है, अब हम वापस से जाते हैं अपने कोड पर। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप करूँगा हैश इंक्लूड, देखिए ये पूरी हेडर फाइल्स के नाम यहाँ पर मुझे सजेस्ट कर रहा है, ये पहले नहीं हो रहा था। तो यही खास बात होती है आपके एक्सटेंशंस की, जो आपके जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स पर वर्क करते हैं तो ये एक्सटेंशंस आपके काम को बहुत आसान बना देते हैं। ठीक है, चलिए कोड को टाइप करते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, कुछ प्रिंट करा रहे हैं हम। ओके, तो ये हमने प्रोग्राम बना लिया है, लेकिन क्या अब ये रन होगा? नहीं रन होगा, क्योंकि अब हमको प्रोग्राम को रन करने के लिए एक और एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है कोड रनर। तो ये सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पे जो डॉट रन वाला जो आइकॉन दिख रहा है, इसको अब हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये भी इंस्टॉल हो गया है, वापस चलते हैं हम अपने प्रोग्राम में। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक रन का बटन यहाँ पर आ गया है, और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी रन कोड का एक ऑप्शन आ गया है, जिसे आप Ctrl+Alt+N से भी आप रन कर सकते हैं। अब तो चलिए अब हम इसे सेव करते हैं Ctrl+S प्रेस करके, और यहाँ पर इस बटन से या फिर राइट क्लिक करके यहाँ रन कोड से, चलिए इस बटन से हम इस कोड को रन करते हैं। ये हमने रन किया तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे आउटपुट विंडो में हाई दिस इज़ फर्स्ट प्रोग्राम, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो इस तरीके से आप VS Code को इंस्टॉल करेंगे, कंपाइलर को कॉन्फ़िगर करेंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल डालेंगे और तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कोड करेंगे और एक्सटेंशंस की मदद से आप अपनी कोडिंग को आसान बनाएंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हम C और C++ के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, उन्हें कोड करने के लिए VS Code एडिटर को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, साथ ही उसके कंपाइलर को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और हमने एक्सटेंशंस का भी यूज़ देखा। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों से शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।